कंप्यूटर्स पर, जीएस पर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पर कमांड बन जाता है मेरा, तो आपका खुद एक वो बिल्ड हो जाता है। एक्चुअल में एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं, मेरा नाम है किशोर कुमार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस क्लास के अंदर हम लोग मैथ के पूरा का पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मैथ का एक्चुअल में सिलेबस क्या है और वो उतर जाते हैं मैदान में युद्ध करने के लिए। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। इससे पहले मैंने एक भी इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया अभी तक, पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस आपको बताऊंगा। और SSC में GD के अंदर कौन सी चीजें पूछी जाते हैं वो तो बताएंगे ही आपको। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे फ्रेशर है वो इस वीडियो को देखेंगे अगर उनका दिल करे तो, बाकी दूसरों लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि जो भी फ्रेशर बच्चे हैं ना उनके मन में आजकल इन सभी तरह के सवाल काफी चल रहे होते हैं कि भैया क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और इतने तरह का इतना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इतना मतलब इन्फॉर्मेशन जा रहा है 18 20 साल 22 साल के लड़कों में कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि स्टैंड कहाँ करना है। भाई दिमाग ही खराब हो जा रहा है। तो पहला नंबर तो इस चीज़ से बचना है आपको कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ से बचना है आपको, इस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छा और कौन सी चीज़ें अच्छा नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ थोड़े से एज लोगों की जिसका उम्र 30 से प्लस हो गया, तो उन्हें पता है इंटरनेट में कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छा है ये नहीं है। जो अच्छा नहीं भी है तो उनको लगता है कि ये मेरे काम में आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें मतलब आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है भाई, जिसका उम्र मतलब अभी 18-20 साल हो रहे हैं और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में दिया जा रहा है इधर उधर से, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है। नंबर दूसरा हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भैया क्या पढ़ें कैसे पढ़े। तो इसके लिए सबसे पहला बात यह है कि भैया एक चीज से आपको बचना है कि आपको दिखेंगे हमेशा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये आ जाएगा मार देंगे पेपर में छाप जाएगा यही हूबहू। भाई ऐसा डायरेक्ट मत करना भाई, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले क्लियर करेंगे आपका बेसिक। बेसिक क्लियर करने का मतलब है जो कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसे पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और उसका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जस्ट उस चैप्टर का प्रैक्टिस, यानी कि PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप बना सकते हैं। एक्चुअली में जो सवाल हम कराएंगे PYQs ही कराएंगे, ठीक है। ज़्यादातर SSC का कोई भी एग्जाम, बड़े बड़े CHSL, CGL, उसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो तरीके आपको ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे जारी रखना है। और आपको अंत में एक चीज बताऊंगा कि एक मेरा मित्र है जिन्होंने इस बार का जो 2024 का GD का पेपर दिया था भाई, उसने पेपर निकाला है। जिनको लगता है ना कि ये क्या बोलता है GS का पेपर बहुत ये होता है, टफ होता है, पता नहीं क्या होगा, उन्होंने भाई 20 में से 17 से 18 सही किए हैं, ठीक है। 20 में से 17 से 18 मतलब इन्होंने इतना ही अटेम्प्ट किया था, उनमें से एक शायद इसका गलत है लेकिन ठीक ठाक है। तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई क्या किया तुमने, ऐसे तो साथ ही पढ़ते हैं तो, बट ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या। सिलेबस ये अर्थमेटिक है और एडवांस, दो चीजों में बटा हुआ है और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक में इन सभी चैप्टर्स आते हैं, जैसे परसेंटेज, ये एक ऐसे ऑर्डर में हमने लिखा है कि अगर आप पढ़ना शुरू भी करते हैं ना तो सबसे पहले प्रतिशत को ही शुरू कीजिए, ठीक है। ज्योमेट्री से स्टार्ट मत कीजिएगा क्योंकि ज्योमेट्री आपने 6, 7, 8, 9 में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो पहले आप शुरू कीजिएगा, जब भी पढ़ें तो आप इसी से शुरू करें। प्रतिशत इससे मिलता जुलता चैप्टर ये है, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद लाभ हानि को ट्राई करें, उसके बाद बट्टा पढ़ना है, समय एवं कार्य, ये चीज़ें, उसके बाद क्या है भाई पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी जो है, समय, चाल और दूरी, ठीक है। इसके अंदर रेलगाड़ी, उसके बाद नाव एवं धारा, रेलगाड़ी, दौड़ में दो प्रकार का है, एक सीधा दौड़ है और एक सर्कुलर ट्रैक, यानी कि दौड़ का जो ट्रैक होता है भाई साहब, दौड़ जहाँ व्यक्ति दौड़ा करता है ना, इस प्रकार का ट्रैक, वहाँ पर भी सवाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो चैप्टर है भाई यही सबसे बड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर है। अगर मान लीजिए हैं कि जो क्वेश्चन बनाते हैं उनका मन हो जाए कि भाई इस बार मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा टास्क कराना है हमसे, काफ़ी कैलकुलेशन बड़ा करना है, तो इसमें सवाल भर देगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी तो आप लोग को पता ही होता है। बाकी और क्या है भाई, ये बदल कैसे गया यार, ये वही स्लाइड है। उसके बाद आगे फिर पार्टनरशिप है भाई, ये अर्थमेटिक का बात कर रहा हूँ जो GD में पेपर में पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक। उसके बाद आयु है, उसके बाद मिश्रण, उसके बाद औसत, ठीक है। लगभग 14-15 चैप्टर हैं जिसे हमें पढ़ना है GD के, आप ट्राई करेंगे तो इन सभी चीज़ों से 25 सवाल बनाते हैं वो किसी तरह करके, ठीक है। एक दो HCM, LCM और नंबर सिस्टम से भी आगे से सवाल पूछ लिया जाता है सिंप्लीफिकेशन से, उसको भी आपको देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर है, इनका वेटेज 1-2 किसी में 3, 1-2 किसी में 3, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है।
अब अर्थमेटिक के बाद एक पोर्शन ये आता है, ये तो भाई जीडी के अब पूरा एसएससी का मैथ को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये एक पोर्शन आता है जिसमें आपको ध्यान में हमें पढ़ना होता है भाई एक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। उसके बाद एचसीएम एलसीएम जो कि सबका पसंदीदा चैप्टर होता है, एलसीएम एचसीएम लॉसो मोसो। उसके बाद सरलीकरण है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, भाई साहब आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा प्रायिकता, वही चीज है। उसके बाद घातांक और करनी है, म्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके बाद संख्याकी यानी कि स्टैटिक्स है, इसको भी आपने 10वीं में पढ़ रखा होगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है भाई आंकड़ों का व्याख्या, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपके पीछे मतलब पिछले जो आपको 14 चैप्टर दिखाएं वो चीज़ें आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको अंत में और एक चीज़ बताऊंगा कि ये टॉपर का राज क्या है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि टॉपर कैसे बन जाएंगे आप इसी वीडियो के बाद बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। देखते रहिए अभी आप। उसके बाद आता है एडवांस मैथ, दो पोर्शन में आपको बताया मैंने, एक आपका अर्थमेटिक अंकगणित हो गया, उसके बाद एडवांस मैथ। इसमें क्या होता है, इसमें जो अर्थमेटिक है भाई, इसमें सिर्फ आपको अंक के साथ खेलना होता है, बाकी एडवांस मैथ जो है इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखना होता है, फॉर्मूला वगैरह चित्र वगैरह का काम होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री, इसमें रेखा एंड कोण यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज के केंद्र पढ़ना है, परिकेंद्र पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं, वही केंद्र पढ़ना है, केंद्रक पढ़ना है मेरा भाई, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिसे पढ़ना होगा और आपको ध्यान में रखना होगा कब कैसे क्या काम करता है। आगे भी देखते चलिए, अभी ज्योमेट्री का ये दूसरा चीज़ है, उसी के अंदर क्या है, लंब केंद्र है। उसके बाद देखिए त्रिभुज के सर्वागसमता और समरूपता, ये चीज़ आपने 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, त्रिभुज के सर्वागसमता और समरूपता, ठीक है। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और क्या है समबाहु त्रिभुज, और ये है समद्विबाहु त्रिभुज, और ये है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब सभी भुजाएँ समान, और इसका समद्वि माने कोई दोनों भुजा समान होगा, इसके बारे में दोनों के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज का मतलब जो तीन भुजा से बना हुआ होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर सर्कल आता है, वृत्त, वृत्त के अंदर पढ़ना क्या है, अर्धवृत्त, ये मान लेते हैं पूरा वृत्त हो गया, आप इसके आधा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वृत्तखंड में, वृत्तखंड बात करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा क्या होता है। उसके बाद चतुर्भुज पढ़ना है, मतलब चतुर्भुज के अंदर में वृत्त का किस प्रकार से काम होगा, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समानांतर चतुर्भुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। ये चीज़ें कब पढ़ना है, जब हम ट्राई करेंगे CHSL या तो फिर CGL वगैरह जब हम ट्राई करते हैं, मतलब ये GD में कारोबार इसका नहीं है भाई, जो भी GD की परीक्षा का तैयार मतलब उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें नहीं, मतलब ये एडवांस मैथ नहीं आता, ठीक है। तो उतना झमेला लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। आगे देखिए, आगे है वर्ग आयत, ये तो सेम चीज़ रिपीट हो गया है यहाँ पर। उसके बाद मेंसुरेशन आता है, ठीक है। एडवांस मैथ में आपको पहले ज्योमेट्री बताया, उसके बाद मेंसुरेशन, मेंस में हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों का यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन के अंदर 3D आता है। उसके बाद यहाँ पर 3D में क्यूबेड पढ़ना है, यानी कि घनाभ पढ़ेंगे। उसके बाद घन को पढ़ेंगे, बेलन पढ़ना होगा आपको। उसके बाद खोखला बेलन, खोखला बेलन, फिर शंकु पढ़ना है। उसके बाद छिन्नक पढ़ना है, शंकु छिन्नक, ये सभी चीज़ें एक बार ना एक बार आपने पढ़ा है जीवन में कभी, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो। अगर कोई बात नहीं है, फिर से आप ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे सभी चीज़ें। उसके बाद फिर मेंसुरेशन 3D के अंदर त्रिविमीय में आ जाएगा आपका गोला, गोला पढ़ना होगा, हेमिस्फीयर भाई, अर्धगोला क्या है, गोला अर्धगोला, प्रिज्म पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, ठीक है मेरा भाई। उसके बाद फिर एक नया चीज़ खुल जाएगा जिसमें आपको ध्यान में रखना होगा, बीजगणित, ये एडवांस गणित का बात करें। ये जो चीज़ें मैं बता रहा था ना, ये एक मतलब कोई बड़ा टॉपिक होता है उसके अंदर में कुछ चीज़ें जो पढ़ना है वो भी मैंने आपको डाल दिया कि भाई इन चीज़ों को पढ़ना होता है। जैसे वृत्त एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी काफ़ी सारे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, वृत्ताखंड, त्रिज्याखंड है कि नहीं, तो उस प्रकार की चीज़ें भी पढ़ना है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। 2 घंटा लगा लिखने में भाई, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री आपको पढ़ना होगा, हमें पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति, काफ़ी बड़ा चैप्टर। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप पेपर में बैठते हैं तो आप फोड़ते हैं भाई,
तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझ पाए होंगे कि मैथ्स के अंदर हमें मोटा मोटा इतना सारी चीजें पढ़ना होगा। और ये कब पढ़ना, एडवांस मैथ आपको मैंने बताया कि अगर आप जीडी से ऊपर की चीजों को सोच रहे हैं, सीएचएसएल या सीजीएल, तो आपको एडवांस मैथ का तैयारी करना है, वरना आपको करने का जरूरत नहीं है। जीडी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो शुरू में आपको बताए थे कि मेरा दोस्त ने फोड़ा है भाई, किस प्रकार से उसको समझ लेते हैं यहाँ पर, कि अगर ये तो भाई मैथ का स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताया, ये मैथ का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद रीजनिंग का भी डिस्क्राइब कर देंगे एक वीडियो में, ठीक है। ये रीजनिंग और ये दोनों चीजें इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, वो तो मैं कह रहा हूं, वो तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वन ऑफ द बेस्ट है या नहीं है। नंबर दूसरा ये है कि आजकल आप जहीं भी देख रहे हैं, तो आप जब भी YouTube खोलेंगे, आपके मन में जब भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का बात सवाल में आता है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते होंगे, टॉपर्स इंटरव्यू, और उसको देखने के बाद काफ़ी मोटिवेट होते हैं, फिर आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ये सही बात है। लेकिन एक्चुअल में एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लेते हैं किसी टॉपर का आपने इंटरव्यू देखा और फिर पढ़ना स्टार्ट करा, तो हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, ये आप बहुत दिन पहले से ही जान रहे हैं, दसवीं कक्षा से ही जान रहे हैं आप, ठीक है, जान रहे कि नहीं जान रहे, बिल्कुल जान रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप मतलब आपका पढ़ाई पर, जब इन सभी चैप्टर्स पर, जीएस पर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पर कमांड बन जाता है ना मेरा भाई, तो आपका खुद एक वो बिल्ड हो जाता है, मतलब टाइम टेबल बिल्ड हो जाता है, और आप खुद एक फिर टॉपर बन जाते हैं, फिर आपका एक स्ट्रेटजी अलग हो जाता है। तो हर टॉपर का स्ट्रेटजी अलग होता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देने की जो जरूरत है वो है कि आपको सही तरीके से पढ़ना है, सभी चीज़ें आराम से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है भाई। और आगे एक बात बताना चाहूँगा कि जीएस के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जीएस के लिए मेरा भाई, जीएस जो है, जीके जीएस, इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका थ्योरी, सभी चीज़ों को पढ़ना है, थ्योरी कि प्राचीन काल में 2-3 दिन लगेंगे, प्राचीन पढ़ जाएंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आराम से पढ़ लेंगे, स्टैटिक जीके आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद इसको जैसे ही कंप्लीट करते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का PYQ उठा लीजिए भाई, यार इसको बनाते रहिए, आपका ये चीज़ मजबूत हो जाएगा। ये काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं, और उसका मतलब पूछ करके मैंने आपको ये चीज़ें बताया, ठीक है। करें ये वीडियो आप समझ पाए होंगे, तो आज का वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो सके तो आपको अगर चाहिए कि रीजनिंग का सेम डिस्क्राइब करना है सिलेबस, तो कमेंट कर दीजिएगा, और मिलेंगे कल। धन्यवाद।